से शेयर कर रही हूँ सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो पंजाब की स्ट्रीट फूड है, मेथी आलू के सर्रे। यहाँ पे मैंने हाफ बंच मेथी के पत्तों को देख सकते हैं आप तोड़कर धोकर ले लिया है। साथ ही मैंने यहाँ नए आलू लिए हैं जिसे मैंने रगड़ रगड़ कर धोकर ले लिया है। अब हम यहाँ आलू को इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़े इसके कट कर देंगे। अब एक बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे मेथी और ये कटे हुए आलू, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ अदरक। इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स, ऐसे दबा दबा के। अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें जाएगा थोड़ा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें जाएगा बेसन, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा और बेसन डालेंगे इसमें। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया। हथेलियों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसे लेकर हम थोड़ा सा इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसे वड़े का शेप दे देंगे इस तरह से। इसे गरम तेल में डालकर हम धीमे धीमे स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे एक एक करके हम इस तरह से उलट पलट के इसे, ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गया। इसी तरह से हम उलट पलट के सभी को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मेथी के सर्रे अच्छे से फ्राई हो गए, इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मेथी आलू के सर्रे बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे परोसा है चटनी और केचप के साथ। तो आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।